जमशेदपुर में 2009-10 में सीरियल क्राइम से आतंक मचाने वाले पंकज दुबे और शेख हिसामुद्दीन को कोर्ट ने 7 साल की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है। आर्म्स एक्ट के तहत कोर्ट ने यह फैसला लिया। बता दें कि 2009 में जब्त किए गए 9 9mm के पिस्टल से डॉक्टर प्रभात की हत्या कर दी गई थी। तथा शेख हिसामुद्दीन जो सीरियल मर्डर के अभियुक्त थे, उनका जो है उनके पास से जी टाउन क्लब के सामने पुलिस के छापामारी में हथियार पकड़े गए थे, जिसमें पंकज दुबे के पास एक 9mm का पिस्तौल और शेख हिसामुद्दीन उर्फ कबीर के पास से एक देसी कट्टा मिला था। पंकज दुबे के पास से जो 9mm का पिस्तौल मिला था, ये प्रभात डॉक्टर प्रभात के हत्या में इस पिस्तौल का उपयोग